पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस वर्ष हमको 16% ज़्यादा राजस्व आय की प्राप्ति हुई है और दस्तावेजों की संख्या में भी 10% की बढ़ोतरी हुई है। 1,76,000 से ज़्यादा दस्तावेजों का पंजीयन हुआ और 2,412 से करोड़ से ज़्यादा का राजस्व आय प्राप्त हुई है। सर, क्या कारण रहा जो राजस्व में भी वृद्धि हो रही है, रजिस्ट्रियाँ भी ज़्यादा हो रही है, किन मुख्य देखिए, कारण? इंदौर शहर में और पूरे ज़िले में रियल इस्टेट का काम बढ़ा है। इसमें शासन द्वारा समय समय पर जो महत्वपूर्ण योजनाएं, महत्वपूर्ण कार्यक्रम इंदौर में किए गए, उसका परिणाम है। दूसरा, जो महाकाल कॉरिडोर और सुपर कॉरिडोर पे इंदौर विकास प्राधिकरण की रजिस्ट्रियां हैं, उससे भी रेवेन्यू की प्राप्ति हुई है। इसीलिए महाकाल कॉरिडोर के बाद से उज्जैन रोड पे, सुपर कॉरिडोर पे रजिस्ट्रियों की संख्या बढ़ी है। सर, महिलाओं के नाम पर पंजीयन भी बढ़े हैं इस बार। महिलाओं को मध्य प्रदेश शासन द्वारा पंजीयन फीस में 2% की छूट दी गई है। इस छूट का लाभ उठाते हुए 36,300 के लगभग दस्तावेजों का पंजीयन महिलाओं के पक्ष में हुआ है और ये लगभग 38% है टोटल रजिस्ट्रियों का। और इस प्रकार लगभग 94 करोड़ रुपए की छूट महिलाओं द्वारा रजिस्ट्री में प्राप्त की गई है।